हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे समास में तत्पुरुष समास, और इसको पहचानने की ट्रिक आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो तत्पुरुष समास का जो सूत्र होता है वो उत्तर पद प्रधाने तत्पुरुष, यानी कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है वो क्या होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। और इसको पहचानने की ट्रिक क्या होती है कि इस समास के दोनों पदों के मध्य कारक चिन्हों का लोप होता है, ठीक है। अब कारक चिन्ह क्या क्या होते हैं, ये हम जब कारक टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, आपके सिलेबस में कारक मेंशन है तो उसको जब हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तब तक के लिए बस इतना समझ लिए कि विभक्तियाँ सात होती हैं और कारक आठ होते हैं, ठीक है। यानी विभक्तियाँ सात होती हैं और कारक आठ होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं तत्पुरुष समास को पहचानने की ट्रिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विभक्तियाँ हैं, कारक है और चिन्ह है, यानी कि प्रथमा विभक्ति, यानी प्रथमा विभक्ति कारक क्या होगा, कर्ता कारक, और चिन्ह होगा इसका क्या, ने। यानी प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, नो, ने, और इसी चिन्ह का लोप हो जाएगा हमारे तत्पुरुष समास में, ठीक है। उसी तरह मैं कहूँ द्वितीया विभक्ति कर्म कारक, इसका चिन्ह क्या होता है, को। उसी तरह मैं कहूँ तृतीया विभक्ति करण कारक, और इसका चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा, ठीक। उसी तरीके मैं कहूँ चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, चिन्ह क्या होता है, के लिए, ठीक। और उसी तरीके से मैं कहूँ कि पंचमी विभक्ति क्या होता है, अपदान कारक और से, और ये जो से होता है वो अलग होने के लिए होता है, ठीक है। और मैं कहूँ षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, का, के, की, और इन्हीं सारे चिन्हों का लोप होता है हमारे तत्पुरुष समास में। ये मैं बस इसको मैं कारक में बहुत अच्छे से बताऊँगा, यहाँ पर मैं बस आपको एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। यहाँ पे सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, चिन्ह क्या होता है, में, पे और पर। उसी तरह मैं कहूँ प्रथमा विभक्ति संबोधन कारक, और इसका चिन्ह क्या होता है, हे, भो, अरे, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि तत्पुरुष समास को पहचानने की ट्रिक क्या है। तो द्वितीया विभक्ति कर्म कारक, चिन्ह क्या होता है, को, और इसी का लोप हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग प्राप्त को क्या लिख सकते हैं, स्वर्ग को प्राप्त, यानी स्वर्ग प्राप्त क्या है, स्वर्ग प्राप्त में क्या है, को चिन्ह का लोप है, इसलिए क्या हो गया, ये तत्पुरुष समास हो गया। उसे मैं तिल चट्टा, यानी क्या है, तिल चट्टा, तिल चट्टा क्या हो, तिल को चाटने वाला, तो इनके क्या है, इनके विभक्ति, इनके बीच क्या है, विभक्तियों का लोप है, कारक चिन्हों का क्या है, लोप है, यानी तिल चट्टा क्या हो गया, तत्पुरुष समास। उसी तरह मैं कहूँ जेब कतरा, तो जेब कतरा क्या होता है, जेब को कतरने वालों को क्या कहा जाता है, जेब कतरा कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे जेब को काटने वाला या जेब को कतरने वाला को ही जेब कतरा कहा जाता है, तो यहाँ पे क्या है, कारक चिन्हों का लोप है। उसी में रसोई घर, तो इसमें क्या है, रसोई के लिए घर, ठीक। तो के लिए क्या है, कारक चिन्ह है, तो इसका क्या है, इसमें कारक चिन्हों का लोप है, रसोई घर, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। उसे गंगा जल, तो गंगा का जल होता है ना, तो का जल का क्या है, का लोप है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो गया। उसी तरह मैं क्या, राष्ट्रपति यानी राष्ट्र का पति, तो इसमें का चिन्ह का लोप है, इसलिए क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो गया। उसी तरीके से अगला है तृतीया विभक्ति करण कारक, और से और के द्वारा, ये जो चिन्ह है ना, इन्हीं सब का लोप हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। जैसे तुलसी रचित, तो इसको लिया है तुलसी के द्वारा रचित, तुलसी रचित को जब तोड़ेंगे तो क्या, तुलसी के द्वारा रचित, तो तुलसी रचित क्या होगा, तत्पुरुष समास। क्यों होगा, क्योंकि के द्वारा जो है ये कारक चिन्ह है, और इन्हीं कारक चिन्हों का यहाँ पे लोप है, इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा तत्पुरुष समास। उसे मैं कहूँ सूरकृत, सूरकृत यानी सूर के द्वारा कृत, तो के द्वारा क्या है, कारक चिन्ह है, और कारक चिन्ह का यहाँ पे लोप है, इसलिए क्या हो गया, सूरकृत क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। रस भरी यानी रस से भरी, तो ये भी क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। अश्रुपूर्ण यानी अश्रु से पूर्ण, यानी अश्रुपूर्ण क्या हो गया, तत्पुरुष समास है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे से नामक कारक चिन्ह का लोप है। उसी तरह मैं कहूँ शोकमग्न, शोकमग्न, शोकमग्न क्या है, तत्पुरुष समास है। क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पे देखिए शोक से मग्न, यानी से जो है कारक चिन्ह है, और यहाँ पे कारक चिन्ह का लोप है, इसलिए क्या हो जाएगा, शोकमग्न, तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसे मैं कहूँ जलमग्न, यानी जल से मग्न, इसको लिख सकते हैं जल से मग्न, तो यहाँ पे से नामक कारक चिन्ह का लोप है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसी तरीके से अगला है चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, के लिए यानी गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा क्या है, तत्पुरुष समास है। क्यों है, क्योंकि इसको जब तोड़ेंगे तो क्या है, गुरु के लिए दक्षिणा, यानी के लिए क्या है, के लिए कारक चिन्ह है, और इसका लोप है, इसलिए क्या होगा, गुरु दक्षिणा क्या होगा, तत्पुरुष समास। राह खर्च, राह खर्च के लिए क्या होगा, राह के लिए खर्च, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी तत्पुरुष समास है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे के लिए जो जो कारक चिन्ह है
उसका लोभ है, उसने जेब खर्च यानी जेब के लिए खर्च, यानी ये भी क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे के लिए नामक कारक चिन्ह का लोभ है। उसने मार्ग व्यय, मार्ग व्यय यानी मार्ग के लिए व्यय या मार्ग के लिए खर्च भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये भी क्या हो गया, तत्पुरुष समास क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे के लिए नामक कारक चिन्ह का लोभ है। उसी तरीके से पंचमी विभक्ति अपादान कारक, ठीक, से और चिन्ह क्या होता है, से, और से क्या होता है, अलग होने के लिए सेंस दे, जैसे पाप मुक्त यानी पाप से मुक्ति, ठीक, पाप मुक्त क्या होगा, पाप से मुक्ति। तो इसको जब तोड़ेंगे तो क्या पाप से मुक्ति लिखे, लेकिन यहाँ पे से नामक कारक चिन्ह का लोप है, इसलिए क्या हो गया, यह तत्पुरुष समास हो गया। उसे देश निकाला, देश से निकाला, ये भी क्या हो गया, तत्पुरुष समास, क्यों, क्योंकि यहाँ पे से नामक कारक चिन्ह का लोप है। इधर मैं पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट क्या है, पथभ्रष्ट भी आपका तत्पुरुष समास है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे से नामक कारक चिन्ह का लोप है। उसी तरह कर्महीन, ऋण मुक्ति, ऋण विमुख, ये भी क्या है, तत्पुरुष समास है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे से नामक कारक चिन्ह का लोप है। इसी तरीके से मैं कहूँ षष्ठी विभक्ति संबंध कारक चिन्ह क्या होता है, का की के यानी राजमाता, यानी क्या है, राजा की माता को ही क्या कहते हैं, राजमाता कहते हैं। और राजमाता क्या है, तत्पुरुष समास है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे की नामक कारक चिन्ह का लोप है। राजभवन यानी राज्य का भवन, यानी राजभवन भी क्या होगा, तत्पुरुष समास है, क्योंकि जब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये का नामक चिन्ह लग जाएगा, और इन्हीं का नामक चिन्ह का जब लोप हो जाता है क्या होगा, तत्पुरुष समास। जैसे सेना का पति, इसको क्या लिखते हैं, सेनापति, तो सेनापति भी क्या है, तत्पुरुष समास है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे का नामक कारक चिन्हों का लोप है। उसी तरह मैं कहूँ राष्ट्रपति यानी क्या हो गया, राष्ट्र का पति यानी राष्ट्रपति क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कारक चिन्हों का लोप है। इसी तरह मैं सप्तमी विभक्ति मे पे पर, इसका चिन्ह क्या होता है, मे पे पर यानी आप बीती, यानी आप पर बीती, ये भी क्या हो गया, आप बीती क्या हो गया, तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पे पर नामक क्या हो गया, पर नामक कारक चिन्ह का लोप है। जग बीती यानी जग पर बीती, यहाँ ये भी क्या हो गया, तत्पुरुष समास से क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर नामक कारक चिन्ह का लोप है। उसी तरह मैं कहूँ दही बड़ा, दही बड़ा भी क्या है, तत्पुरुष समास से, क्यों, क्योंकि दही में बड़ा, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, दही में बड़ा, यहाँ पे में नामक कारक चिन्ह का लोप है, इसलिए क्या हो गया, ये भी तत्पुरुष समास हो गया। उसमें मैं कहें घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, यानी घोड़े पर सवार यानी पर नामक कारक चिन्ह का लोप है, इसलिए क्या हो गया, ये भी तत्पुरुष समास हो गया। अश्वारूढ़ यानी अश्व पर आरूढ़, अश्व पर आरूढ़ को क्या कहते हैं, अश्वारूढ़, इसलिए ये भी क्या हो गया, तत्पुरुष समास, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नामक कारक चिन्ह का लोप है। उसी तरह मैं गजारूढ़, गजारूढ़ भी क्या है, गज पर आरूढ़, यानी ये भी क्या हो गया, तत्पुरुष समास, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नामक कारक चिन्ह का लोप है। उसी तरीके से यहाँ पे नोट में लिखिए, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है, दुर्योधन, दुर्योधन बृहस्पति, प्रदेश, प्राचार्य, अनजान, बिन ब्याह, अनछुआ, दही बड़ा, पर्णकुट्टी, युधिष्ठिर आदि भी तत्पुरुष समास होते हैं, ठीक। यानी दुर्योधन यानी जिससे जिससे युद्ध करना कठिन हो उसको क्या बोलते हैं, दुर्योधन। तो इसीलिए क्या है, दुर्योधन भी तत्पुरुष समास। बृहस्पति यानी बृह के लिए अस्पति, बृहस्पत बृह के पति यानी बृहस्पति, यानी कि क्या है, ये भी तत्पुरुष समास। प्रदेश, प्राचार्य, अनजाना, बिन ब्याह, अनछुआ, दही बड़ा, ये इसको रट जाइए, ये भी तत्पुरुष समास ही होता है। जैसे आपसे पूछेगा अनछुआ कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास। प्रदेश कौन सा समास है, ये UPSI में या UP SSSC में पूछा गया था एक बार क्वेश्चन, प्रदेश कौन सा समास है, तो प्रदेश भी तत्पुरुष समास है। पर्णकुटी यानी पर्ण से कुटी, यानी क्या हो गया, ये भी तत्पुरुष समास। युधिष्ठिर जो युद्ध में स्थिर हो उसको क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं, ये भी क्या है, तत्पुरुष समास है। तो ये रहा तत्पुरुष समास पहचानने के लिए। अभी मेरे पास थोड़ा सा समय कम है इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो डाल रहा हूँ, जैसे ही हमारा थोड़ा सा आपको टाइम मिलता है, अभी इलेक्शन ड्यूटी चल रही है इस वजह से थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा हम लोगों को, तो जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं बड़ा बढ़िया वीडियो डालूंगा और कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा मैं आप लोगों को समय दे सकूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।